YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों की परेशानी की। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 2014 में हुड्डा सरकार की ओर से बनाई गई नीति को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर चुका है, ये आपको जानकारी है। और इस फैसले के बाद सर्व कर्मचारी संघ का एक दल कर्मचारियों के साथ प्रदेश के नेता विपक्ष अभय चौटाला से मिलने पहुंचा। उनसे मुलाकात की गई, उनको ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से 4,654 कर्मचारी प्रभावित होंगे। फैसले से कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार और विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हो कर्मचारियों की इस समस्या का हल निकाला जाए। साथ ही कहा गया कि कोई सरकार ही कोई ऐसा अध्यादेश लेकर आए या कानून बनाए जिससे कर्मचारियों की समस्या का निदान हो। अभय चौटाला ने कहा कि कर्मचारियों को यह भरोसा दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले को देखेंगे, साथ ही सीएम को पत्र लिखेंगे और जरूरत पड़ने के पर एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, ये मांग सरकार से की जाएगी। तो हाईकोर्ट की ओर से नियमन नीति को रद्द किया गया, उसके बाद से कर्मचारियों की मुश्किलें तो बढ़ी ही हैं। लेकिन जो हवाला दिया गया हाईकोर्ट की ओर से कि नियमों को ताक पर रखकर ये नियमन नीति बनाई गई थी जिसके चलते इनको रद्द किया जाता है, ये मुलाकात की गई है फिलहाल नेता विपक्ष के साथ सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की ओर से। तो देश की आवाज के सवाल एक बार देख लीजिए, कर्मचारियों को कैसे पक्का किया जाए, ये सवाल है। कर्मचारियों की मांग चूंकि लगातार ये है कि पक्का कर दिया जाए कच्चे कर्मचारियों को, बड़ी संख्या भी है इन लोगों की, लेकिन पक्का करने का प्रावधान क्या हो सकता है जब अदालतें कह चुकी हैं कि कच्चे कर्मचारियों की भर्ती ही ना की जाए और हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, नियमन नीति को रद्द किया जा चुका है, उसके बाद विकल्प क्या देखते हैं। हालांकि सरकार को कहा गया कि सरकार अध्यादेश लेकर आए, उम्मीदें भी हैं कर्मचारियों की, नेता विपक्ष की ओर से भी यही कहा गया। अभी फिलहाल जो समस्या है उसको लेकर आज देश की आवाज में हमने मुद्दा उठाया है कि कच्चे कर्मचारियों की परेशानी का हल क्या और कैसे निकले। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए इस मुद्दे पर। फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटाया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट तो नियमन नीति को रद्द कर ही चुका है, या सरकार अध्यादेश लेकर आए, क्या कुछ विकल्प आप देखते हैं और जो नियमन नीति बनाई गई थी हुड्डा सरकार के दौरान उस नीति को कैसे देखते हैं। तमाम नीतियां जो है रद्द कर दी गई, साफ तौर पर कहा गया कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये नीति बनाई गई है। जब 2006 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि 6 महीने के अंदर कोई नीति बनाई जाए और भर्तियां जो हैं पक्की ही की जाएं, तो हुड्डा कार्यकाल के दौरान सरकार से जाते जाते या फिर कह लें कि चुनाव के पास आते आते ये नियमन नीति बनाई गई, जिसको लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। हाईकोर्ट ने इन नीतियों को रद्द किया और साफ कहा गया कि पक्की भर्तियां ही की जाएं और कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, चूंकि नियमों को ताक पर रखकर, नियमों को धत्ता बताकर इन ये नीति निर्माण किया गया है। तो फिलहाल जो सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान मिले हैं, विपक्ष के नेता अभय चौटाला से मुलाकात की गई। अभय चौटाला की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले को देखेंगे और जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र बुलाया जाए, ये कहा जाएगा। कुलदीप शर्मा है हमारे दर्शक, हिसार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राय क्या है आपकी? हाँ जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ जब सरकार कच्चे भर्ती करते ही क्यों है, क्या कोर्टों को नहीं पता भाई भर्तियां निकली हुई है, क्या कोर्ट अखबार नहीं पढ़ती जी? जब भर्ती होंगे ही नहीं तो डिमांड ही नहीं उठेगी पक्का होने के लिए। अब सबसे पहले तो जिन्होंने कच्चे भर्ती किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आपने कच्चे भर्ती क्यों किए हैं। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा सही है, सारी चीजें सही है, मेरिट बेस पे हम लगे हुए हैं, उसके बावजूद हमारा शोषण किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि जो है कच्चे से पक्का हुआ कर्मचारी है उसको आप जो है फिर से कच्चा कर रहे हैं।
चले बहुत शुक्रिया, अब हम कहां शर्मा जी जाएंगे? आपका हमारे साथ किसी ने जुड़ने के लिए। अब हम कहाँ जाएंगे, ये कुलदीप का कहना है। और बाकी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका भी यही सवाल है कि कच्चे कर्मचारी क्या करें, एक पार्टी सत्ता में रहते हुए नीति बनाती है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाता है, उसके बाद कच्चे कर्मचारियों का पक्ष ये है कि कच्चे से पक्के तो कर्मचारी होते रहे, लेकिन पक्के से कच्चे यहीं पर हुए हैं। इसमें सरकार पर आरोप विपक्ष की ओर से ये लगाए गए कि मजबूती से पैरवी नहीं की गई, ये कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए। और इनेलो की स्टैंड की अगर बात कर ली जाए, इनेलो दोनों ही पार्टियों को घेरती है। कांग्रेस पर आरोप ही लगाए जाते हैं कि नियमों को ताक पर रखा गया नीति बनाते हुए, और बीजेपी पर आरोप ही लगाते हैं कि बीजेपी ने मजबूती के साथ पैरवी नहीं की। प्रहलाद शर्मा है सिरसा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शर्मा जी स्वागत है आपका। हाँ धन्यवाद मैडम जी। मेरा ये कहना है मैडम कि जो आरोप प्रत्यारोप है उनको छोड़ के सरकार को चाहिए कि इन 4054 कर्मचारियों का प्लस में जो 60 से 70 हजार के बीच में जो कच्चे कर्मचारी बाकी हैं उनका भविष्य देखते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके और ठोस कदम उठाए, क्योंकि हम कर्मचारी सरकार में सेवा दे रहे हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए जी। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। ब्रिजमोहन है हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। राय क्या है आपके इस मुद्दे पर? ब्रिजमोहन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। चलिए संपर्क शायद टूटा है, कार्यक्रम देखते रहिए देश की आवाज में, एक बार फिर से आप जुड़िएगा। तो आपकी राय क्या है, ये नीति जो रद्द की गई उसके बाद जितनी कोशिशें की गई हैं, जितने प्रयास किए गए हैं कच्चे कर्मचारियों की ओर से, उसी कवायद में आज नेता विपक्ष के साथ मुलाकात की गई सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की ओर से, उनके नेताओं की ओर से मांग यही की गई है कि हमारी आवाज़ को उठाया जाए और जो कच्चे कर्मचारी जिनका भविष्य दांव पर लग गया है उनके साथ इंसाफ किया जाए। नेता विपक्ष ने आश्वासन दिया है कि सरकार से बातचीत की जाएगी, जरूरत पड़ी तो विधानसभा में विशेष सत्र भी इस मुद्दे को लेकर बुलाया जाए, ये कोशिशें की जाएंगी और इनका जो भविष्य है वो अंधकार में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि विकल्प क्या है, विकल्प सरकार के सामने क्या है और सुझाव क्या हो सकता है आपका? आप फोन कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं, क्योंकि हुड्डा सरकार के समय में जो 3 नीतियां बनाई गई, जो पॉलिसी बनाई गई कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने की, उन्हें हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। नियमन नीति को जो है नौकरियों में उसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से रद्द कर दिया गया। अभी कच्चे कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ नाइंसाफ हुआ है, सरकार उनकी ओर से ध्यान दे, सरकार उनकी ओर। तो प्रदीप है हमारे अगले दर्शक रोहतक से फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप क्या सोचते हैं इस विषय पर? प्रदीप टीवी की आवाज कम करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे विषय पर। हाँ जी मैडम बताइए। मैडम मैं प्रवीण देसवाल बोल रहा हूँ, आईटीआई यूनियन का प्रधान, और हमारे आईटीआई के जो हेलो जी बताइए, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ मैडम, हमारे आईटीआई यूनियन का प्रधान बोल रहा हूँ जी जी, और हमारे आईटीआई के लगभग 1027 मेंबर रेगुलर हुए थे 2014 की पॉलिसी में, और उस समय जब 2014 में पॉलिसी बनी थी उस समय हमारे जितने भी साथी रेगुलर हुए थे वो बिल्कुल सारे मापदंड जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो होता है प्रॉपर उनकी उनका जो सीनियरिटी बनी थी, प्रॉपर सभी एग्जाम सभी जो है ना उनमें लिखा हुआ था, जो एग्जाम होते हैं ना होते हैं स्किल टेस्ट हुआ था उनका प्रॉपर, सभी न्यूज़पेपर में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी, और इसमें अपना रोजगार कार्यालय से इनको सर्टिफिकेट मिला था कि आप जो सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ही हमारे को लगाया गया था जी जी, और इसके बावजूद अब सरकार ने उसकी पैरवी नहीं की, और जिससे हजारों घरों का जो है चूल्हा बुझने को जा रहा है, पैरवी नहीं और की। हम पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार की, इसमें खामी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश है हमारे नियमित दर्शक, नरवाना से फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, 2001 में मैं हरियाणा स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कारपोरेशन में सर्विस किया करता था। उस टाइम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होते थे जी। उस महकमे को ही बंद कर दिया, MITC को भी बंद कर दिया। ये नेता लोग हैं जो अपने फायदे के लिए सोचते हैं और जनता को तो लड़ाने की कोशिश करते हैं जी। और जो ये बेचारे ठीक है कच्चे कर्मचारी जो लगाए गए हैं
जो अप्लाईमेंट के थ्रू आए हैं ना जी, उनको तो करो पक्का, क्योंकि वो आए रूल के मुताबिक, पोस्ट मांगी होगी तो आए, अदरवाइज तो ये सारे चमचागिरी में मिनिस्टर के और एमएलए के काम करके आए हुए हैं, इनको नहीं पक्का किया जा सकता बिल्कुल भी। फिर तो कल को परंपरा पड़ जाएगी, भाई अपने आदमी लगा लिए पक्के कर दो, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अप्लाईमेंट का शुरू कोई आया है रोजगार का रियल से, उसके लिए स्वागत होना चाहिए सारी जनता के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रीना है हमारे साथ गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ी है। रीना, क्या सोचती है इस मुद्दे पर? हाँ मैम, मैं ये कह रही हूँ मैम, इतने समय के बाद किसी भी कर्मचारी को निकालना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा ये मैम, अगर सरकार को यह लगता है कि किसी भी मामले में धांधली अगर हुई है तो सरकार को एक पेपर वो करना चाहिए, अगर कोई पेपर को क्वालिफाई करता है तो उनको पक्का करना चाहिए, फिर एक पेपर रख देना चाहिए जिसमें मतलब उनको ये हो, अगर पेपर वो अपना क्लियर करता है 60-70% जितना भी हो रखते एवरेज, अगर वो से क्लियर करता है तो उन्हें भर्ती किया जाना चाहिए फिर। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि उम्र सीमा में रियायत दी गई है एक तय सीमा तक, लेकिन सरकार फिलहाल क्या कर सकती है, सवाल वही बरकरार है। आप फोन कीजिए, जवाब दीजिए। दया किशन है हमारे साथ हिसार से फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। मैं कहता हूँ कि न्यायपालिका जो है वो संविधान की प्रहरी है। जी बिल्कुल, और जो संविधान से बाहर असंवैधानिक कार्यों पर रोक लगाती है, लेकिन विधायिका उन कानूनों में नियमों को बदलने में सृजित करने का अधिकार रखती है जो उसके नागरिकों के लिए अप्रासंगिक व दुष्कर साबित होते हैं। सरकारें समय समय पर कच्चे कर्मचारियों को लंबे समय तक नौकरी पर रखकर उनका शोषण करती है, लेकिन कोर्ट उस समय कुछ नहीं बोलता जब सरकारें इस प्रकार से कर्मचारियों को नियुक्त करती है, लेकिन जब ये कर्मचारी काफी लंबे समय तक शोषण का शिकार हो जाते हैं और सरकार लोकतांत्रिक अधिकार के द्वारा उनको थोड़ी सी राहत देने की कोशिश करती है, तब कोर्ट में कानूनी पछड़े फंस जाते हैं। तो सरकार जो अपना लोकतांत्रिक अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए ऐसे कर्मचारियों को नियमित कर सकती है और शोषित हुए लोगों को सम्मान दिला सकती है। चले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शकुंतला है हमारे साथ शिमला से फोन लाइन पर जुड़ी है, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मैं ये कुछ बोलना चाह रही हूँ कि ये जो अपने सरकार है इनका क्या काम है? इनका यही काम है कि कच्चे रख लो पक्के रख लो। हाँ। ये काम करते हैं और मतलब दुनिया को ठगने का काम है ये। दुनिया को ठगने, ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों का। क्यों रखते हैं उस टाइम? अब क्यों उनको बेचारों को दुख दे रहे हो? जैसे कैसे है उनको बेचारों को देखो कि क्या कमी है, उनकी कमी पूरी करवाओ अगर कमी है उनमें। पर लेकिन ये नेता लोगों के बीच में कमी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोई हाई कोर्ट में जाएगा तब तो लड़ते रह गए। उनको देखो ना, जिन्होंने जिंदगी खराब करी है पढ़ाई कर करके, उनके माँ बापों का क्या हाल है, उनका क्या हाल है, है? ये तो रखते हैं पीछे लगाने और फिर उनको धोखा देना। ठीक है, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे श्याम है हमारी अगली दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका। हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। हाँ जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जो इन रेगुलर कर्मचारियों को जो मतलब दोबारा से हाईकोर्ट में जो केस हार गए थे उसके बाद सरकार चाहती है कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी भी है ना उनको भी आगे पक्का ना किया जा सके। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो विधानसभा में अपना बिल पारित करे और फिर अपने लोकतांत्रिक जो शक्तियां उनका प्रयोग करके सभी कच्चे कर्मचारियों को और जो इस पॉलिसी से इफेक्टेड है उनको राहत देने का काम करे। सरकार क्यों नहीं कर रही है? चले शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार से सवाल है, जनता लगातार कच्चे कर्मचारियों की जो परेशानी बढ़ी है उसको लेकर सवाल कर रही है। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आपका अपना कार्यक्रम आपके लिए। दीपक मनचंदा है हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर जुड़े हैं, क्या सोचते हैं इस विषय पर? हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सरकार बार बार एक ही बात का रोना रो रही है भी खामी है पॉलिसी में, खामी है तो पॉलिसी में खामी है तो आज आप दूर कर दीजिए। आपके पास आज सारी पावरें हैं, आज कोई आपका लालच नहीं है, कोई आपका वोट लोक लुभावन नहीं है, बार बार एक ही बात को पॉलिसी को दोहराया जाना खामी है खामी है, तो इसको कुछ भी करके आप इसको दूर करके कोर्ट में
ना जाते हुए एक ऑर्डिनेंस ला के विधानसभा में आपका बहुमत है, विपक्ष साथ है, पक्ष साथ है, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको पॉलिसी को रेगुलर कर्मचारियों को क्यों नहीं कर सकते उसको रेगुलर? चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेगुलर क्यों नहीं कर सकती सरकार, ये सवाल लगातार सरकार से पूछा जा रहा है। हालांकि जब ये फैसला आया उस वक्त भी काफी बवाल देखा गया था कर्मचारियों की ओर से, सरकार पर आरोप रखे, विपक्ष ने भी सरकार को घेरा इस फैसले के बाद। संदीप कौर हैं अंबाला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। हम ये कहते हैं कि जब हम 10-10 साल से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में तो मैम तो हमको रेगुलर क्यों नहीं किया कर सकती बीजेपी सरकार? जो पहले जब आई थी बीजेपी सरकार तो उन्होंने मतलब कि पहले हमें ये क्यों नहीं बात बताई? पहले तो ये कहते हैं कि कच्चे कर्मचारी रेगुलर हो जाएं तो फिर रेगुलर हम करेंगे आके, तो फिर करते क्यों नहीं है मैम? ये सरकार का पक्ष ये है कि हमने पक्ष रखा मजबूती से, लेकिन हाईकोर्ट ने इस नीति को रद्द किया जिसके चलते कर्मचारियों के सामने ये परेशानियां हैं। गुरनाम सिंह है हमारे साथ कालका से फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी मेरी राय ये है कि इस संकट की घड़ी से कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए सरकार को विधानसभा में बिल पास करना चाहिए और जो पक्के हुए थे कर्मचारी उनको तो राहत मिलेगी, साथ में जो कच्चे इम्प्लाई लग रहे हैं जो इस आस में बैठे थे कि हम भी पक्के होंगे 8-8, 10-10 सालों से लग रहे थे तो उनका भी रास्ता खुल जाएगा। तो मेरी यही राय है कि सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाए और उसमें ये बिल पारित करके कि इस हाईकोर्ट के फैसले को बदला जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अध्यादेश सरकार लेकर आए, लगातार लोगों का यही कहना है। इस कार्यक्रम में फोन लाइन के जरिए दिनेश है हमारे साथ एमपी से फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में। थैंक यू मैडम। इस विषय पे मेरा कहना ये है कि कर्मचारी भर्तियों में अगर घोटाला होता है तो ईमानदारी सुचिता लाना जरूरी है, अन्यथा सरकारें इसी प्रकार वोटों की सियासत के लिए हस्तक्षेप करती रहेंगी। न्यायपालिका को जो इंटरवेंशन देती है, जो व्याख्या करती है, उसको तो हमें मानना ही चाहिए। हमें उसे चुनौती ये नेता देते हैं ये ठीक नहीं है। सरकार की भर्ती या उनके प्रमोशन या किसी भी जो भी नियम है उसके लिए सारे नियम कानून दिशा निर्देश बने हुए हैं, वेतन नीति वगैरह, सियासी वोटों के लिए हर चीज में हस्तक्षेप, ये सीधा सीधा इससे उजागर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की तरह इन कर्मचारियों से काम लेना चाहिए। जनता का विश्वास सरकारों और अदालतों से उठता चला जा रहा है। विकासखंड जिला स्तर तक के कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए और कर्मचारियों को हेडक्वार्टर पर रहने के लिए उनके लिए सुविधा करना चाहिए। सरकार व्यर्थ में हस्तक्षेप करती है, बहुत निंदनीय है। भ्रष्टाचार की रिकवरी होना चाहिए और नियमों में ये विधानसभा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नियम विरुद्ध है तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये कायदे कानून और ये सब बनते क्यों हैं? ये अपन सभ्य समाज में जीने के लिए ही ये संविधान और ये सब निर्माता, अन्यथा सबको अपने अपने आजादी के अपने ढंग से जीने दो, इसीलिए ये सब बनाया जाता है। इसके सस्पेंशन जो है प्रथा है वो बंद करना चाहिए, वेतन वृद्धि रोकने की प्रथा बंद करना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता है। मैं देखता हूँ जो सस्पेंड और वेतन वृद्धि जिनकी होती है रोकी जाती है उनको जल्दी प्रमोशन मिलता है, उनको इनाम मिलता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की तरह इनसे काम लिया जाए और बड़े उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाए, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये सब है। इसीलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय कुरुक्षेत्र से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे बीजेपी गवर्नमेंट हिमाचल में पॉलिसी बनाकर कर्मचारियों को पक्का कर रही है मगर हरियाणा में पक्के कर्मचारियों को कच्चा कर रही है, ये मतलब बीजेपी का दोगला चेहरा में समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो वो कर्मचारियों को पक्का कर रही है, दूसरी राज्य में हाईकोर्ट की ओर से। संजय ये हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है और हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि राजनीतिक फायदे के लिए नीति बनाई गई थी, उसमें सरकार क्या कर सकती है, क्या लगता है आपको? चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश हैं हिसार से फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। सतीश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। चलिए संपर्क टूटा है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा कार्यक्रम में और राय दीजिएगा आपने।
तो देश की आवाज में विषय यही है कि हुड्डा सरकार के दौरान जो नीति बनाई गई क्या वो तरीका ठीक था, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा चुका था कि पक्की भर्तियां बनाइए, 6 महीने के अंदर नीति बनाइए, अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार जो कि कांग्रेस पर आरोप है नीति बनाई गई। अब जब हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है, तो बीजेपी क्या कर सकती है, आप जवाब दीजिए। अनिल है अंबाला से, हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में। हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। अनिल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, आप राय दीजिए। मैडम ये जो कर्मचारी हैं इनको ये कोई ये भी जीते जागते इंसान है मैडम, 60,000 कर्मचारियों को परिवार है, इनके बच्चे हैं, सब कुछ है। जब एक बार इनमें आशा जगी, इनको कच्चा माना ने फिर पक्का किया, अब पक्का करके इनको कच्चा किया जाएगा तो इनके अंदर निराशा नहीं आएगी, इनमें से इनके परिवार भूखे नहीं मरेंगे जी, या फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं चुनेंगे रास्ता, तो इनको क्यों नहीं पक्का किया जाए, इनके साथ ही मजा क्यों होगा। चलिए शुक्रिया, कार्यक्रम देखते रहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरह से नौकरी दी गई थी, किस तरह से कच्चे से पक्का किया गया था, अगर तरीका ठीक नहीं होगा तो क्या करप्शन नहीं बढ़ेगा, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, और जब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है तो उसमें अब सरकार आगे क्या कर सकती है, आप राय दीजिए। देश की आवाज में हमसे जुड़िए। अरुण है राजस्थान से, हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। अरुण कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। चलिए सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील है, टीवी की आवाज आप कम रखें, जैसे ही कार्यक्रम में जुड़ जाएं टीवी की आवाज को बंद करें और अपनी राय दें। प्रवीण है हमारे साथ चंडीगढ़ से, कार्यक्रम में जुड़े हैं, स्वागत है आपका, राय दीजिए। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कर्मचारियों के लिए सरकार को विधानसभा में बिल पास करना चाहिए और इनको पक्का करना चाहिए सभी कर्मचारियों को जी, जितने कर्मचारी सभी को पक्का करना चाहिए, एक अच्छी पॉलिसी बना के। चले शुक्रिया आपका, सरकार नीति बनाए, सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दे, ये करीब करीब सभी लोगों को लगता है। लेकिन जो संविधान की व्याख्या करने के लिए हैं अदालतें देश में, वो जो फैसले देती हैं, अगर उन फैसलों को सरकारी गंभीरता से ना लें तो फिर क्या किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2006 में कहा जा चुका था कि 6 महीने के अंदर नीति बनाइए और पक्की भर्तियां ही कीजिए, सरकारें अपने खजाने को देखकर अगर कच्ची भर्तियां करती हैं और फिर पक्का किया जाता है वो भी अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार, ये कितना ठीक है, इसी पर राय ली। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।